Today we have Ali Haider with us. He's our star student. इन्होंने नेशन वाइड पोजीशन सिक्योर करी है इन एडवांस टैक्सेशन एग्जाम इन सितंबर 2023 अटेम्प्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट अली. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अली हैदर एंड हिज फैमिली एंड फॉर मी ऑल्सो एज ही इज माई स्टूडेंट. और इन्होंने नेशन वाइड पोजीशन सिक्योर करी है थ्रू आउट पाकिस्तान. अली से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्होंने नेशन वाइड पोजीशन अलॉन्ग विद हिज जॉब गेन करी है. स्टूडेंट्स विद जॉब एडवांस टैक्सेशन लेवल का एग्जाम पास करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. इन्होंने विद जॉब ना सिर्फ ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है बट ही ऑल्सो गेन नेशन वाइड पोजिशन थ्रू आउट पाकिस्तान बाई सिक्योरिंग 84 मार्क्स. आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि अली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और अपनी स्टडी अप्रोच बताएं दैट हाउ ही गेन्ड सो मच मार्क्स एंड ही बिकेम एबल टू सिक्योर नेशन वाइड पोजीशन थ्रू आउट पाकिस्तान अलॉन्ग विद हिज जॉब. तो अली आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है स्टडी रिलेटेड और आपने जॉब के साथ किस तरह मैनेज किया कि आप इतने अच्छे मार्क्स गेन करें और आप थ्रू आउट पाकिस्तान हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकें इन एडवांस टैक्सेशन एग्जाम. थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए. सबसे पहले तो मैं जो फोकस किया था मैंने क्लासेस पे फोकस किया था. मैं जॉब से ऑफिस से आता था, क्लासेस मैंने पूरा जो वीकेंड थी मंडे टू फ्राइडे उसमें क्लासेस ली और जो भी वीकेंड का पढ़ा हुआ था वो सैटरडे और संडे को मैं पढ़ता था अलॉन्ग विद क्लासेस. सैटरडे एंड संडे जो वीकेंड्स होते थे उसमें आवर्स ज़्यादा थे, मैं अराउंड अप्रॉक्स 5-6 आवर्स पढ़ता था और जब मैं ऑफिस से आता था तो 3 घंटे पढ़ता था. बाकी जो आखिरी का एक महीना है उसमें मेरा कोर्स सब कंप्लीट हो चुका था और मैंने फोकस सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स पे किया. आपको मॉक चेकिंग के लिए भेजे मैंने जो 3 आपने पोर्टल्स पे लगाए हुए, वो उससे फीडबैक जो मिला, जो प्री मॉक स्पेसिमेन एग्ज़ाम्स और फिर फाइनल जो रिवीजन है आखिरी एक हफ्ते के लिए मैंने सिर्फ रिवीजन किया, नो पास पेपर्स. सो देखिए मैं इधर स्टूडेंट्स को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मेंटेन करना है. जैसे अली ने कहा कि ड्यूरिंग द वीक डेज वो डेली 3 आवर्स देते थे, तो जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि डिसिप्लिन मेंटेन करें. डेली एक सर्टेन टाइम पढ़ाई को लाजमी देना है एंड देन इन वीकेंड्स आप एक्स्ट्रा टाइम दें, लेक्चर्स को केयरफुली कवर करें, पास्ट पेपर्स के ऊपर ज़्यादा एफर्ट करें एंड मॉक एग्जाम्स जैसे अली ने हाईलाइट किया ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मॉक्स अटेम्प्ट करके हमें चेकिंग एंड फीडबैक के लिए भेजने हैं. और वो बच्चे जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं मैं तो हमेशा कहता हूँ वो ज़्यादा बिजी हैं कि उनकी जो अदर कमिटमेंट्स हैं वो उन्हें ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, तो उन्होंने भी लाजमी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और मेक श्योर करना है दैट दे गेट गुड मार्क्स. अली लास्ट मंथ हैज़ स्टार्टेड बिफोर द डिसम्बर एग्जाम अटैम्प्ट. मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को लास्ट मंथ एडवाइस करें. वैसे तो आप जैसे अच्छे बच्चे आखिरी महीने तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं लेकिन हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आधे कोर्स पे होंगे या जिनका कोर्स अभी बाकी होगा, उन्हें अगर आप कुछ एडवाइस करें कि वो किस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर पास करें और वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी जो लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें. कोर्स तो कंप्लीट जल्दी से जल्दी करना चाहिए कोर्स, और बाकी एक महीना जो है वो रिवीजन, पास पेपर्स और जो मॉक्स है जो है तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लगे हुए होते हैं वो आपने लाजमी सॉल्व करना है और फिर आपने आखिरी हफ्ता रिवीजन के लिए रखना है. सो अली थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. और अली क्योंकि जॉब भी करते हैं तो ये आज अपनी जॉब से वापसी में आए, मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें. सो थैंक यू अली फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑब्वियसली आई विल कॉन्ग्रेचुलेट अगेन. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली ऑल्सो और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम इन डिसम्बर अटेम्प्ट. थैंक यू एवरी वन.